जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ये मंगला गौरी व्रत और उनके पूजन की, और साथ में उनकी व्रत कथा क्या है इसको भी बताएंगे। देखिए, पहले समझ लेते हैं कि मंगला गौरी व्रत होता क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि सावन तो भगवान शिव के लिए ही होता है, क्योंकि जितने भी सावन के सोमवार होते हैं उसे भगवान शिव के मंदिर में बहुत ही भीड़ लगी रहती है, भगवान शंकर की पूजा होती है। पर उसी सावन में हर मंगल को गौरी माता की पूजा करी जाती है, उसी व्रत को हम लोग मंगला गौरी व्रत या पूजन कहते हैं। फिर से बता दें आपको, सावन में जितने भी मंगल आते हैं या सावन में जितने भी मंगलवार होते हैं, उन्हीं मंगलवार को हम मंगला गौरी व्रत करते हैं। मतलब मंगला गौरी व्रत जो है वो सावन के मंगलवार को ही, हर सावन मतलब सावन के मंगल मंगलवार को ही किया जाता है। तो तब तो क्लियर स्पष्ट हो गया कि मंगला गौरी व्रत कब करते हैं। तो जितने भी सावन के जितने भी मंगलवार होते हैं उसमें मंगला गौरी व्रत किया जाता है। तो मंगला मतलब मंगल, मतलब मंगलवार का दिन, गौरी मतलब पार्वती माँ। तो इसके मतलब ये है कि सावन के जितने भी मंगल होते हैं उसमें हम गौरी माता मतलब पार्वती माता की पूजा करते हैं। अब देखिए, पार्वती माता की पूजा करने में एक छोटा सा तरीका ये भी है कि आप एक पटा ले लीजिए और एक पटे पे एक लाल कपड़ा ले लीजिए, बिछा लीजिए एक तरफ, थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़े पर आप गेहूँ के आप 16 ढेर बना लीजिए, जिसको बोलते हैं हम लोग षोडक मात्रक कहते हैं। षोडक मात्रक मतलब जो 16 ढेरी बनाई है वो 16 देवियाँ होती हैं। और उसके बाद सफ़ेद कपड़े पर आप 9 छोटे छोटे आप गेहूं के ढेर बना लीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं नवग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं। उसके पश्चात जो है उसी पटे पर आप किनारे थोड़ी जगह बचती है तो वहाँ पर थोड़ा चावल रखकर उस पर भगवान उस पर आप रखिए गणेश जी को। उसके पश्चात आप पटे के दूसरे कोने में आप उसके बाद गेहूं रख के उस पर कलश रखिए और कलश पे पानी भर दीजिए और उसमें आप आम के पत्ते डाल दीजिए। ऐसे करके आप सजा लीजिए। अब देखिए, जो षोडक मात्रक दो पूजन होता है इसका और नवग्रह पूजन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि षोडक मात्रक पूजन मतलब होता है 16 माताओं का पूजन, इसलिए उनको षोडक मात्रक कहा जाता है। और जो 9 ढेरी हैं उन्हें नवग्रह पूजन करा जाता है। तो पहले गणेश जी का आवाहन करा जाता है, उनकी पूजा करी जाती है, गणेश जी का मंत्र पढ़ लें, उसके बाद आप कलश को आप रोली और चावल लगा दें। उसके पश्चात आप जितनी 16 देवियाँ हैं षोडक मात्रक के रूप में, जो आपने 16 ढेरी बनाई हैं उन पर भी आप रोली चावल छिड़कते हैं। उसके बाद आप नवग्रह का पूजन करके आप अपनी पूजा शुरू करें। तो ये सब पूजा करने के बाद इसमें एक विधान ये भी है कि एक इसमें दिए में चार मुखी इसमें मतलब चार एक दिए में चार बत्ती लगाकर इसमें दिया बनाया जाता है, और उसको घी का दिया मतलब देसी घी का दिया बनाया जाता है, और उसको जलाकर षोडक माता जो 16 माता हैं हमारी, 16 देवियां हैं, उनकी पूजा करी जाती है। और देखिए, इसमें हर चीज़ 16-16 है, क्योंकि षोडक माता मतलब 16 देवियां होती हैं। तो इसमें आप 16 धूप भी चलाई जाती हैं, 16 फूल चढ़ाए जाते हैं, 16 पेड़े चढ़ाए जाते हैं, हर चीज़ 16 चढ़ाई जाती है, जितना भी आप कर सकते हैं। तो हमने फिर बता दें आपको कि इस प्रकार से 16 देवियों की पूजा करके आप गौरी माँ का ध्यान रखिए, उसके बाद इस व्रत को रखिए आप। अब देखिए, ये तो तरीका था कि कैसे हम व्रत रखते हैं और षोडक मात्रक क्या होता है, ये तो बताया हमने आपको। अब हम बताते हैं आपको इसमें कि इसकी व्रत कथा क्या है। देखिए, व्रत कथा ये है मंगला गौरी व्रत की, कि एक समय में एक धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था और उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, परंतु उनके कोई बच्चे नहीं थे। बहुत सालों बाद जब उन्होंने पूजा करी तब उनके एक लड़का हुआ, पर ये वो लड़का अल्पायु था और उसकी उम्र थी 16 वर्ष की। और यह बात उनको नहीं मालूम थी, पर उनको सपने में एक बार बताया गया प्रभु ने कि इस बालक की उम्र 16 साल है। तो वो दोनों धर्मपाल उनकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। तभी क्या हुआ कि ऐसा कुछ हुआ कि उस उनके बालक की शादी हो गई 16 वर्ष की, 16 वर्ष होने से पूर्व उसकी शादी हो गई।
अब क्या हुआ, जब उसकी शादी हो गई तब उनको मालूम था कि 16 वर्ष का जैसी होगा इसका निधन हो जाएगा, परंतु जो जिस लड़की शादी हुई थी उसकी माँ जो है मंगला गौरी व्रत रखती थी और हमेशा गौरी माँ से प्रार्थना करती थी कि उसकी उसकी पुत्री का सुहाग बहुत साल जिए। तो अब उसने चूंकि मंगला गौरी व्रत किया था उस पर जिसकी जिससे शादी हुई थी उस लड़के की उसकी माँ ने, तो जो बालक था उसकी उम्र बढ़ गई उस व्रत से और वो 100 साल जिया। तो देखिए ये है मंगला गौरी व्रत का मतलब उद्देश्य कि अगर हम अगर मंगला गौरी व्रत करते हैं तो अगर जो भी अल्पायु है या जिसके साथ शादी हमारी हो रही है तो आयु बढ़ जाती है और आप अच्छा खासा परिवार आप चलाएंगे जीवन भर। और जब बच्चे और जब जो बच्चे हो जाएंगे उनकी शादी करके जब आप निर्वृत हो जाएंगे और तभी निधन होगा आपका, ऐसा ये माना जाता है। तो मंगला गौरी व्रत के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि अगर आप मन से करते हैं तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको शंकर व्रत में मिलती हैं आपको, जैसे आपको अगर धन नहीं तो धन मिलेगा, अगर कोई परेशानी है तो परेशानी कष्ट है आप कष्ट परेशानी दूर हो जाएगी, कोई कष्ट है अगर शारीरिक कष्ट है मानसिक कष्ट है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मंगला गौरी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमने आपको बताया आज कि मंगला गौरी व्रत क्या होता है, क्यों रखते हैं, इसकी कथा क्या है और पूजा कैसे करी जाती है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय गौरी मैया की।